साथियों, अक्सर ऐसा माना जाता है कि अगर रुपया पैसा हो, धन हो, तो हमारा जीवन सुकून में गुजरता है, हमको चिंता नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता और हम खुश होते हैं। लेकिन अमीर के लोगों के बारे में शायद ये सच नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मॉर्गन हॉसेल ये बोल रहे हैं इस बुक के राइटर। और इन्होंने भी एक सर्वे है जो दिखाया है, इस किताब में बताया है कि कैसे धन दौलत होने के बावजूद भी अमीर के लोग चिंतित रहते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं, और वो दुनिया के लोगों से ज़्यादा रहते हैं चिंतित और स्ट्रेस में। ये चीज़ें मैं कुछ आपके साथ शेयर करूंगा विद डेटा जो इसमें इन्होंने शेयर किया है। तो जो ये बताता है कि धन दौलत कोई सुकून के जीवन जीने की गारंटी नहीं है। तो ये कहते हैं कि इस किताब में गैलप नाम की एक एजेंसी थी, उसने 2019 में एक सर्वे कराया था दुनिया के 140 से ज़्यादा देशों में, 140 से ज़्यादा देशों में सर्वे कराया था। और वो सर्वे यही था कि धन दौलत होने के बावजूद भी क्या लोग खुश रहते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उनका कल कैसा गुजरा, क्या वो कल चिंता में थे। तो ये 1.5 लाख लोगों पे सर्वे हुआ था, सर्वे ऐसा नहीं था कि 10-20 हज़ार लोगों पे हो गया, तो 1.5 लाख लोगों पे सर्वे हुआ था दुनिया भर के 140 से ज़्यादा कंट्रीज़ में। तो क्वेश्चन पहला था कि क्या उनका कल चिंता में गुजरा था, तो 45% अमेरिकी लोगों ने आंसर दिया था हाँ कल वो चिंतित थे, जबकि वर्ल्ड एवरेज था, बाकी एवरेज था 39%। यानी यहाँ भी 6% लगभग अमेरिकी लोग ज़्यादा थे एवरेज से, दुनिया का जो एवरेज था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या उनका कल स्ट्रेसफुल था, क्या वो उन बीते हुए टाइम में स्ट्रेस में रहे थे। तो आप चौक जानकर चौक जाएंगे कि 55% अमेरिकी लोगों ने रिप्लाई किया था कि हाँ उनका कल स्ट्रेस में गुजरा था, वो टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। और इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड एवरेज था 35%, मतलब मोर देन 20% जो एवरेज है वर्ल्ड का, उससे ज़्यादा अमेरिकी लोग स्ट्रेस में और टेंशन में थे। जो ये बताता है, गैलप का ये सर्वे बताता है कि रुपया, धन दौलत या पैसा की एक सुकून भरी जिंदगी की, चिंता मुक्त भरी जिंदगी की गारंटी नहीं है। एक और चीज़ मॉर्गन बोलते हैं कि 1955 से 2019 के बीच अमेरिकी लोगों की जो इनकम है वो काफ़ी बढ़ी है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गई है। स्टिल दे आर फेसिंग स्ट्रेस और कंसर्न रिलेटेड टू डे लाइफ। सो दैट इज नॉट, वी कैन से दैट वेल्थ इज नॉट द गारंटी ऑफ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट जरूर कीजिए। और ये बुक आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हैं इफ यू विश। थैंक यू।